अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू फूडी मूडी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हूँ आपके एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई। बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटपट तैयार हो जाती है। तो इसमें जो जो इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन है तकरीबन हाफ के जी बोनलेस मैंने लिया है। अगर आप लोग चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नमक है, हसबे जायका आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने दही लिया तकरीबन एक प्याली के करीब, जिसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, आप लोग जो है बाज़ार से कोई सी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं, तकरीबन हाफ प्याली के करीब यूज़ किया। उसके बाद ये काली मिर्चें हैं, तकरीबन एक चम्मच के करीब यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन एक चम्मच के करीब ये भी यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है जो मैंने भून के पीस लिया था, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, हाफ चम्मच के करीब मैं यूज़ करूँगा। ये इंग्रेडिएंट्स है, बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटपट तैयार हो जाती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये हमारी आज की रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अब तो बारी है सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने की। हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था हम वो डाल के चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से चिकन में आ जाए। ये मैं एक चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट करेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छी तरीके से चिकन में आ जाए, फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है। तो अब बारी है इसमें चिकन ऐड करने की। हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये देख सकते हैं, इसको जो हम तकरीबन 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो इसका जो रंग अच्छी तरीके से चेंज हो जाए और जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया था उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत आसान रेसिपी और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, ताकि जो हमारी चिकन और जो हमने मैरिनेशन की थी लहसुन अदरक का अच्छी तरीके से वो पक जाए जी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी चिकन का जो रंग था वो भी चेंज हो चुका है, और रंग भी देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा है। तो अब बारी है इसमें मसाले ऐड करने की। सबसे पहले हमने जो दही मैश करके रखा था वो डाल दूँगा इसमें। ये देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप लोग जायके के लिए ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नमक मैं हसबे जायका डालूंगा, आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये सफ़ेद ज़ीरा जो है मैंने भून के पीस के रखा था, ये खुशबू के लिए ऑप्शनल, अगर आप लोग चाहें तो ये शामिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे काली मिर्च है, तकरीबन हाफ चम्मच के करीब मैं डालूँगा। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने मसाले सारे इसमें डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, ताकि जो है हमारी जो चिकन है वो भी अच्छी तरीके से गल जाए और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत आसान रेसिपी, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट करते हैं, ताकि जो हमारी चिकन जो है वो भी अच्छी तरीके से गल जाए और हमने जो इसमें मसाले डाले वो भी अच्छी तरीके से पक जाए जी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी जो वाइट कढ़ाई थी तकरीबन हो चुकी है, हमारी चिकन भी अच्छी तरीके से गल चुकी है और कलर भी देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा आया। अब जो इसमें बारी है क्रीम डालने की। क्रीम आप लोग बाज़ार से कोई सी भी परचेज कर सकते हैं, तकरीबन मैं हाफ प्याज के करीब क्रीम डालूँगा इसमें। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। इसको तकरीबन जो है हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे, ताकि जो है अच्छी तरीके से भून भी जाए और जो हमने जो क्रीम डाली है इसका जो कच्चापन है थोड़ा बहुत वो भी दूर हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, कलर भी देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो हम 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे, ताकि जो अच्छी तरीके से जो ये क्रीम इसमें मिक्स हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी इसमें से दूर हो जाए।
जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी जो आज की रेसिपी थी चिकन व्हाइट कढ़ाई तकरीबन रेडी हो चुकी है। कलर भी देख सकते हैं आप लोग कितना परफेक्ट है और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। तकरीबन इसको हम 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे ताकि जो हमने इसमें क्रीम शामिल की है वो अच्छी तरीके से पक जाए। ये रेसिपी आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अब इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट और भूनेंगे ताकि जो है इसका अच्छी तरीके से कलर आ जाए, फिर हम डिश आउट पे मिलते हैं। जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी जो आज की रेसिपी थी चिकन व्हाइट कढ़ाई रेडी हो चुकी है। कलर भी देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा है और खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी आ रही है। बहुत आसान रेसिपी और बहुत ही सिंपल तरीके से कम इंग्रेडिएंट से ये झटपट तैयार हो जाती है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अब मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।